संजीव जीवा मर्डर केस में पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नया खुलासा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से अब जो जानकारी सामने आई उसने जांच को नई दिशा में मोड़ दिया है। दरअसल जीवा मर्डर केस के तार माफिया अतीक अहमद से जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का नेपाल में रहने वाले दोस्त अशरफ ने संजीव जीवा की हत्या की सुपारी दी थी। वहीं विभाग ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है जो संजीव जीवा को पेशी पर लेकर पहुंचे थे। कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव जेल में है, लेकिन शूटर विजय यादव का किसने साथ दिया, हत्या का मास्टरमाइंड कौन था, इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस शनिवार को कोर्ट में विजय यादव की कस्टडी के लिए अपील कर सकती है। जो है हमने टीम के जो मेंबर्स है उसकी संख्या बढ़ाई है। इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं टीम उसमें SHO जो है मुख्य विवेचक है, 3 और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं। एक टेक्निकल टीम भी है पूरी दी गई है, सर्विलांस टीम जो सपोर्ट के लिए दी गई है। इसके अलावा जो अभियुक्त था जो मौके से ही पकड़ा गया था उसे कल जो है अस्पताल से रिलीज करा करके और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जल्द ही हम उसकी पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे। मर्डर केस की जांच के साथ ही संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी पर लाने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। संजीव जीवा के साथ पहुंचे 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। संजीव जीवा केस में योगी सरकार का भी रुख सख्त है। दावा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में चाहे न्यायालय में चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है, लेकिन चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या का आयोग जांच कर रहा है, SIT जांच कर रही है, और जो लखनऊ की हत्या है उसकी भी जाँच SIT को सौंप दी गई है। पुलिस हत्या की साजिश से जुड़े हर एक सुराग की पड़ताल कर रही है। जाँच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसने माफिया अतीक का नाम सुर्खियों में ला दिया है। बताया जा रहा है कि माफिया अतीक के दोस्त अशरफ ने जीवा की हत्या की सुपारी दी थी। माफिया अतीक का दोस्त अशरफ नेपाल में रहता है। कुछ दिन पहले ही आरोपी विजय ने नेपाल में अशरफ से मुलाकात की थी। ये भी बताया जा रहा है कि अशरफ का भाई अतीक लखनऊ जेल में कैद है, जिसे संजीव जीवा परेशान करता था। ऐसे में अशरफ ने जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख रुपए में विजय यादव को सुपारी दी। हालांकि अब तक संजीव जीवा मर्डर केस में नेपाल कनेक्शन की पुष्टि नहीं हो सकी है। SIT इसमें शासन द्वारा खुद ही गठित की गई है, जो पूरी सिक्योरिटी लैब से लेकर के भविष्य में जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उन सब पे वो अपने रिकमेंडेशंस देगी। SIT द्वारा एक बैठक भी ली गई थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। माननीय जो सदस्य थे बाहर के उनका भी पूरा फुल कोऑपरेशन उन्होंने आश्वस्त किया है। फ्रिस्किंग, चेकिंग, बायोमेट्रिक से लेकर के कार पास सभी भी जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के वो सब लागू किए जाएँ, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग बैठ करके आपसी समझौते के आधार पर, सहमति के आधार पर एक अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वहाँ लागू करेंगे। इधर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी की राहत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से मना कर दिया है। पायल माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान UP सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा, जब संजीव जीवा जेल में था तब पायल माहेश्वरी गैंग को लीड कर रही थी। पायल माहेश्वरी कई मामलों में वांटेड है। वहीं पायल माहेश्वरी के वकील ने कहा, यूपी सरकार ने शुक्रवार को अंतिम संस्कार की बात कही थी जबकि गुरुवार को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब अंतिम संस्कार हो चुका है फिर मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं, छुट्टी के बाद सामान्य पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पायल माहेश्वरी ने याचिका के जरिए संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। वहीं संजीव जीवा मर्डर केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में PIL दाखिल की गई है, जिसमें CBI या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।